सलामुअलैकुम भाई। यार क्या शुरू कर रहे हो यार आप? सन्नाटा हो रहा है। अच्छा अभी तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग दोस्तों के साथ बाहर निकला हूँ मैं। असल में हम लोग जा रहे हैं मंडी। फाइनली हम लोग पहुँच गए मंडी में और बड़ी खवारी हुई है हमारी यार। अब अफरीदी कैटल फार्म पे हम लोग पहुँच चुके हैं। पहला कैटल फार्म है जिसमें देखो हम तो कुरबानी बराए मुस्तैसिम करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है खूबसूरत अच्छे जानवर हो और वो लोग गरीब जिनको और जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते उनके यहाँ 5-5, 4-4 किलो के पैकेट जाएँ। तो हमारे तो पाकिस्तानी जितने भी हैं चाहे रूरल मुल्क घर में मुल्क ताउन करते हैं और उसी बदलता आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुरबानी बन चुकी है मुस्तैसिम। तो ये इस साल भी हो गए इन अभी 40 से के करीब ऊँट हैं, बाकी गाय बैल भैंसे बकरे हैं। जैसे बारिश हो जाए बुध रात फिर उसके बाद मजीद खरीदारी करेंगे। व्लॉग बनाना भाई इतना आसान काम नहीं है। देखो कितना बर्डन लेके पैर रहे सर। पहला कैटल फार्म अभी घूमे हैं, फ्रीदी कैटल फार्म नेक्स्ट पे जा रहे हैं। सारे नहीं घूमेंगे पर सारे घूमने जहाँ तक हिम्मत हुई वहाँ भाई हम जाएंगे। कच्चे में यहाँ पे कच्चे में जा रहे, कच्चा बहुत नहीं ड्रोन शॉट जो होंगे ना कच्चे के आएंगे। ओ हो माशाल्लाह यार थोड़ा इसका वेट का अंदाज़ा वो ज़रा बिला लो। ज़रूरी है यहाँ पे बिना मास्क के नहीं आना वरना आपको यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। अरे थोड़ा चलेगी पागल है क्या? समय से डर निकलेगा भाई। चल नहीं रही वीडियो बन रही है तुम्हारे यूट्यूब पे जाओगे लोग आएंगे यहाँ पे। अपना नाम बताओ अपनी जगह का। 8 नंबर भाई ब्लॉक 8 है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे बकरों की मंडी है। कोयटा होटल है सामने, उसके सामने बिल्कुल ये भाई है और इनसे इसके क्या मांग रहे हो इस बंदे के? इस भाई की कोई भी कीमत नहीं यार। इसके ओए आंडो तुझे आंडो बोल दिया भाई। हम इस होटल में बैठने वाले हैं अभी इधर पे हो सकता है खाना खा के रन। आई एम द वन द वे योर सन डोंट। भाई क्या क्या है खाने में? आलू पूरी, आलू कीमा, मटर कढ़ाई, मछ की दाल, दाल चना, चिकन कढ़ाई, चिकन टिक्का, चिकन ओए चिकन मटन कढ़ाई, चिकन कोरमा, चिकन टिक्का,
आलू कीमा, दाल माज, दाल चना, आलू गोभी, आलू मटर, आलू कीमा, मटर, दाल गोभी, बंद गोभी, सलाद। में क्या क्या है? खाने में अगवानी पुटी है, चिकन कढ़ाई है, दाल छोला है, अंडा छोला है, दाल चने की है। और बताओ। और पराठा है, अंडा, आमलेट है। ये ओ भाई, तुम लोग क्यों हंस रहे हो यार? बोलने दो। आप क्यों हंस रहे हो? मैं खाना बता रहा हूँ। ये अपना चार नंबर यहाँ घोड़े, ये गोते आए हैं इनको बेचने के लिए। खाना है। अच्छा यार, हमारे खाने में कितना टाइम लगेगा? आपके खाने में बस कुछ ही देर है, लम्बे 10 मिनट है। 10 मिनट आपके। इसको आगे यार। सनराइज होने वाला है, उसके बाद ये करते हैं, ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ा टाइम बाकी है। टाइम क्यों हो रहा है? बस समझ लें, 5-10 मिनट रहेगा, उसके बाद इंशाल्लाह उसको उड़ाएंगे। यहाँ सौदा चल रहा है और अड़े में, हाँ क्या, कितने मांग रहे हो भाई? 165। हम लोग अभी बाहर ड्रोन उड़ा रहे थे और यहाँ पे सौदा चल रहा था, तो उन्होंने हमें अंदर से बुला लिया, उन्होंने हमारी अंदर से वीडियो बनवाई और जरा यहाँ सौदा चल रहा है। हम लोग मंडी रात में 3 बजे से घूम रहे हैं। अच्छा, हमने ये जानवर पसंद किया है, इसकी बात करी है, इसके 2,30,000 मांगे थे और अभी हमारी बात 155 पे चल रही है और ये 165 कह रहे हैं। ठीक है, रेट सही है, रेंज के हिसाब से बाकी लोगों की नियत भी होती है अपनी, तो यह है कि रीजनेबल भी है प्राइस, कहीं पे हाई भी है। यह हकीकत है कि शहरों में जो लोग घूम रहे हैं उससे बेहतर है कि वो सौराब बोर्ड पर आएँ और यहीं से जो है वो जानवर बनारस से ले आए। सबके रेट हाई है, हमें सिर्फ अपनी कराची की मंडी अच्छी लगी। सही बात है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। अच्छी बात है कि महंगाई के हिसाब से अब किसी ने अगर 80,000 का जानवर लिया था तो वो 10-15,000-20,000 रुपये एक्स्ट्रा रख के लेकर आए ताकि 1,10,000 में उसको वो जानवर मिल जाए। पिछले साल के हिसाब से मंडी थोड़ी सी ऊपर है इस वक्त, लेकिन एक थोड़ी सी ऊपर है। अच्छा, मतलब जो जानवर हमने लास्ट ईयर 1.5-1.5 लाख में लिया था वो इस वक्त कम से कम भी 1,70,000-2,00,000 रुपए का है। तो ये के पर जानवर जो है वो 1,600 रुपये नॉर्मल एंट्री ली जा रही है। ठीक है, 1,600 रुपये पर एंट्री आप कर लोगे तो फिर उसको बचेगा क्या अगले को? व्यापारियों का भी कसूर नहीं है, मतलब ये जो जिनको टेंडर दिया जाता है इनसे अगर बात की जाए कि भाई ये आपको जो है वो रीजनेबल आप टोटल करो, अब वो क्या बता रहा है 450 का हमें ड्रम है। हमने कहा यार तू जानवर दे, हम ड्रम घर से भर के ले आते हैं। दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, बेल आइकन दबा यार, मुझे बेल आइकन दबाने दे यार तू। ये आ गया बेल आइकन और मेरी शक्ल भी दिखा दे इसमें। ये देखो इन भाई ने ये और ये बाकी सारे अभी करेंगे घर जाके, ठीक है। उनका सौदा हो गया, शुक्र है, मान गए भाई, हमारी एक वीडियो बनाने से उनका सौदा हो गया तो बहुत खुशी की बात है। तो बैठ लग यार, मेरे पास एक बैटरी थी ड्रोन, तो बैठ लग यार मेरे पास एक ही बैटरी थी ड्रोन की, और वो क्या है उधर कर भाई, उधर कर, तो पूरी बैटरी मुक गई है। तो असल में जैन ने उड़ाना था, इसका दिल कर रहा था कहते यार मुझे उड़ाना है, तो मैंने कहा मैंने फ्लाइट बनना है, मैंने उड़ना है, मैं चांद पे जाना चाहता हूँ। बेचारे का बैड लक, इसकी बारी में बैटरी खत्म हो गई। तो भाई ये ब्लॉक कौन सा आपका? ब्लॉक नंबर 4। आपका नाम क्या है? मिनिमम रेंज है हमारे पास 4,00,000 से लगा कर 4,00,000। लाख रुपए से 4,00,000 तक आपके पास जानवर है? जी जी।
ठीक है आप सबसे बिग भी गए 8 लाख तक का। ये वाला कितने का है? ये जो ब्राउन बच्चा खड़ा है, ब्राउन और वाइट, ये 3.5 ठीक है। ब्लॉक बताओ अपना। ब्लॉक नंबर 4 है। ठीक है भाई, अगर आप इस ब्लॉक में आते हो और इन भाई से मिलते हो तो इन्हें बताना कि आप वीडियो देखकर आए हो, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा ना इंशाल्लाह। सर जरूर करेंगे, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ब्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। क्या हो गया? हेलो ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। हेलो जैन, वेलकम टू चैनल। भाई रिक्शे से हमने लिफ्ट लिया, रिक्शे वाले से भाई ने फ्री में हमें लिफ्ट दी है। ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया हो। पसंद आए आपको पता है क्या करना है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पीस आउट अंकल करें, अंकल आप बोले पीस आउट, अंकल कह रहे हैं पीस आउट। तब तक मिल वो देखो ये लोग गिर गए। क्या हुआ? भाई हंस क्यों रहे थे आप? अंकल से दोबारा बोलो बोलो।